उमेश पाल की हत्या के बाद जब पुलिस ने अशरफ के मददगारों की सूची तैयार की तो सद्दाम जो कि अशरफ का साला है और 1,00,000 का इनामी अपराधी भी है तो वो लिस्ट में पहले नंबर पर था। सद्दाम बरेली में रहकर अशरफ से गुर्गों की मुलाकात कराता था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये बात भी सामने आई कि माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दुबई भाग गया है। जिस बीच हाल ही में सद्दाम की एक फोटो वायरल हुई है जिसमें वह दुबई के किसी स्थान पर दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि 1,00,000 रुपए का इनामी सद्दाम वहीं से अतीक के विदेशी कारोबार को मैनेज कर रहा है। वहां उसके दो भाई पहले से रह रहे हैं और उमेश पाल की हत्या से पहले सद्दाम ने बरेली जेल में बंद रहे अशरफ की सुख सुविधाओं के लिए तमाम पुलिस वालों से सेटिंग भी की थी। सद्दाम बरेली जेल में अधिकारियों की मिलीभगत से अशरफ को VVIP सुविधा मुहैया कराता था। उसकी बदौलत ही अशरफ जेल में बेखौफ रहता था, जिससे चाहता मिलता, जो चाहता खाता पीता था। असद समेत अतीक गिरोह के लोग बरेली जेल जाकर घंटों से गुफ्तगु भी करते थे और ये भी कहा जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग पर बरेली में ही अंतिम मुहर लगाई गई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद जब पुलिस ने अशरफ के मददगारों की सूची तैयार की तो सद्दाम पहले नंबर पर था। बरेली पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया है लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है। जिस बीच अब उसकी तमाम फोटो वायरल हो रही हैं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ फोटो सद्दाम ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी जिसमें एक तस्वीर में वह लग्जरी कार के आगे खड़ा दिख रहा है और फोटो में दिख रही कार का नंबर दुबई का है। दूसरी फोटो भी दुबई के प्रसिद्ध होटल के पास की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सद्दाम के माध्यम से ही अतीक ने दुबई में कई प्रॉपर्टी खरीदी थी। एक होटल में भी अतीक ने पैसा लगाया था। इसके साथ खाड़ी के कई देशों में भी अतीक ने रकम लगाई थी। अतीक अशरफ की 15 अप्रैल को हत्या के बाद विदेशों की संपत्तियों और निवेशों को सद्दाम ही मैनेज कर रहा था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।